राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। प्रेजेंटली हमारी इंडियन रेलवेज के नेटवर्क के अंदर दो अमृत भारत एक्सप्रेस जो है चल रही हैं, जिसमें दोस्तों पहली चल रही है आनंद विहार से दरभंगा के बीच में और दूसरी चल रही है मालदा टाउन से लेकर SMBT बैंगलोर के बीच में। दोस्तों दोनों ही ट्रेनें काफी ज्यादा हिट है पैसेंजर्स के बीच में, क्योंकि इन ट्रेन के अंदर 8 जनरल और 12 स्लीपर क्लास के कोचेस लगे हुए हैं, जिससे कि ये कंप्लीटली नॉन एसी ट्रेन हो जाती है। और जिन भी यात्रियों को स्लीपर में सफर करना होता है, सस्ते में सफर करना होता है, उनके लिए ये ट्रेन कहीं ना कहीं वरदान बन के सामने आती है, क्योंकि सीट भी आराम से इस ट्रेनों में जो है मिल जाती है। अब जाहिर सी बात है, जो चीज़ ज़्यादा हिट है उसको ज़्यादा बनाया भी जाएगा, वो ज़्यादा आपको क्वांटिटी में दिखेगी भी। तो इसी के अंदर एक बड़ी कमाल की अपडेट कह सकते हैं आप निकल के सामने आई है, जहाँ पे दोस्तों साल 2024-25 के अंदर आपको लगभग 50-55 के आसपास और अमृत भारत जो है दौड़ती हुई दिखेंगी भारतीय रेलवे के नेटवर्क के अंदर। दोस्तों यहाँ पे एक प्रोडक्शन प्लान निकल के सामने आया है, जो कि एक रिवाइज प्रोडक्शन प्लान है इस अमृत भारत ट्रेन को लेकर के, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक कोच फैक्ट्री जो है अब कितने कितने कोचेज जो है बनाएगी। तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड एरिया है ये एक्चुअली में रिवाइज वाला एरिया है, अभी इन नंबर को जो है चेंज कर दिया गया है। अब इन वाली अमृत भारत के अंदर खासियत क्या है, अगर आप ध्यान से इसके रेक कॉम्पोजिशन को देखें तो यहाँ पे एक पेंट्री कार को जो है ऐड किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 55 नॉन एसी पेंट्री कार बनाई जा रही है, वो एग्जैक्टली इन रेक्स के लिए बनाई जा रही है, जहाँ पे अब आपको जो अमृत भारत देखने को मिलेगी वो पेंट्री कार वाली अमृत भारत देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, वंदे भारत के साथ भी ये सेम चीज़ हुई थी कि जब हमने वंदे भारत स्टार्टिंग में देखी थी, उसके बाद जब वो कुछ सालों के बाद दोबारा लौट कर आई थी तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, पैसेंजर के इनपुट को लिया गया था, उनको समझा गया था, फिर उसमें जो भी कमी थी उसको दूर करके जो है जनता के सामने पेश किया गया था। सेम यही चीज़ अमृत भारत के साथ भी होगी कि अब इन दो रिक्स से जो भी पैसेंजर इनपुट मिला होगा उसको ये लोग यूज़ करेंगे, एंड अगेन अब जो रिक्स बनेंगे उसको और ज़्यादा पॉलिश करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें सबसे बड़ा जो एक चीज़ निकल के आती है पेंट्री कार को लेकर के, कि अभी जो एग्जिस्टिंग जो दो रेक चल रहे हैं दोस्तों उसमें पेंट्री कार की सुविधा अवेलेबल नहीं है। खैर दोस्तों एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो हमारे जो LHB कोचेज हैं उसमें नॉन एसी वाली पेंट्री कार नहीं थी अवेलेबल, बट अब रेलवे स्पेशली जो है बना रहा है कि भाई आप नॉन एसी वाली पेंट्री कार बनाओ, जो कि यहाँ पे अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के अंदर जो है लगाई जाएंगी। तो ये जो है कोच प्रोडक्शन प्लान है, जो कि मैं मानता हूँ कि मेरे पास आने में भी कुछ थोड़ा लेट ही हो गया ये, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया होगा, तो अगले कुछ वक्त के अंदर आपको ट्रेनें चलती हुई जो है दिख सकती हैं। अगर 55 ट्रेनें आने वाली है तो आप एक रूट कमेंट करने की जरूरत से कोशिश करना कि आपको क्या लगता है कौन से रूट पे जो है ट्रेनें आएंगी। बाकी इन ट्रेनों के बारे में जैसे भी और जानकारी अवेलेबल होगी मैं आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो में।